पढ़ाने नहीं आया हूं मैं आया हूं यहां के एग्जाम आने वाले हैं तो ये वीडियो खासकर उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम आने वाले हैं कुछ ही दिनों में एक हफ्ते के अंदर एक्चुअली आज सुबह मैं अपनी भतीजी से बात कर रहा था तो उसे एग्जाम के बारे में कुछ टिप्स दे रहा था कि बेटा कब पढ़ना है कब नहीं उठना है तो उसके एग्जाम एक वन वीक के अंदर स्टार्ट होने वाले तो मैंने कहा बेटर है क्यों ना अब एक वीडियो ही बना दिया जाए जिसमें होप फुली पेरेंट्स को या उनके चिल्ड्रन को ये थोड़ा मैनेज करने में सारी कॉम्प्लेक्सिटी की बच्चों के एग्जाम है कैसे वो हेल्पफुल होगा कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो डेफिनेटली आपको मार्केट में आ, इंटरनेट पे सर्वे करने पे नहीं मिलेगा ये कुछ इंडिविजुअल कुछ थॉट होते हैं एक्सपीरियंस होते हैं और आई नो आप लोग स्मार्ट हैं आप लोगों ने अपने टू डूज बना रखे होंगे कि कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं बट अगर आप एक बार इस सरसरी निगाह से एक वीडियो को देख लेंगे तो मे भी कुछ पॉइंट आपको क्लिक कर सकता है हो सकता है वो आपसे छूट गया हो तो इस वीडियो में थ्रू आउट कुछ पॉइंट्स हैं आप अपने ध्यान से देखिए चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से पहला पॉइंट है टाइम टेबल जिसे आप देख रहे हैं आप कोर्स आप लोगों सबको पता होगा कि टाइम टेबल तो बनाना होता है ये कौन सी नई बात है डेफिनेटली टाइम टेबल आपको जो बनाना होता है वो अकॉर्डिंग टू उनके एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग बनाइए सब लोग ही बनाते हैं ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट क्या है करेक्ट इसमें डिफरेंट ये है कि आपको ये देखना है कि आपका जो शेड्यूल अभी आप बना रखे हैं जैसे बच्चे अभी पढ़ने, अभी हो सकता है एग्जाम उनके वन वीक में में या one month में, या मंथ टू वीक्स में स्टार्ट हो तो आपने शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग बना रखा होगा बट आपने ये ध्यान दिया कि जो टाइम टेबल में उनका एग्जाम का टाइमिंग है वो क्या है वो मॉर्निंग का टाइम है वो इवनिंग का टाइम है, है या आफ्टरनून का टाइम है ठीक है आप उसके अकॉर्डिंग आप शेड्यूल बनाइए होगा क्या कि सपोज आपने बना रखा है दिन रात पढ़ने का सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ने का रात लेट नाइट पढ़ने का दिन में पढ़ने का आपको ये मॉनिटर करना होगा कि क्या बच्चा जिस टाइम ड्यूरेशन में एग्जाम के डेट पढ़ रहे हैं टाइम पढ़ रहा है उस टाइम ड्यूरेशन में नॉर्मल में बाकी दिनों में जब एग्ज़ाम नहीं होते उसको क्या नींद आती है कि नहीं आती है ऐसा तो नहीं है कि सपोज अगर उसका टेन टू वन एग्जाम है और वो नॉर्मल डेज में अभी एग्जाम नहीं शुरू हुआ वो नॉर्मल डेज में अर्ली मॉर्निंग पढ़ता है लेट नाइट पढ़ता है लेकिन उसको 10 से 1 के बीच में नींद आने लगती है उसको नींद भी कवर करना होता है क्या ये शेड्यूल तो नहीं है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इसलिए आपको ये जरूर मॉनिटर करना होगा कि एग्जाम की जो टाइमिंग है उसमें बच्चे को नींद ना आए यानी उससे पहले ही वो अपनी नींद को अच्छे से कवर कर लिया हो तो जो नींद का कोटा है वो पूरा होना चाहिए दैट मीन्स उस आवर में उसको नींद नहीं आनी चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा आपको टाइम टेबल में जिस दिन एग्जाम नहीं है उसमें थ्री आवर जो बच जाते हैं उसमें वन आवर वो स्टडी कर सकता है बाकी टू आवर्स वो अपना फन एक्टिविटी खेल सकता है रिलैक्स कर सकता है बच्चों को खेलने जरूर दीजिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को फोन मत दीजिए एग्जाम के ड्यूरेशन में ऐसा नहीं कि वो कहेंगे कि ये मुझे बात करनी है करनी है क्योंकि आप उनके पास परमानेंट रहेगा वो कहीं ना कहीं से कॉल आएगी और कहीं ना कहीं वो बात करते रहे इंगेज करते रहेंगे तो बेटर है उनसे कहिए आपको फोन कॉल करना है फोन कॉल करें और वापस एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप मोबाइल का लोकेशन बताइए वहां पे जाके उस टेबल पे वो रख दें काम हो उठाए और वापस रख दे ऐसा नहीं कि वो हाथ में रखें क्योंकि हो सकता है वो जिस फ्रेंड को कॉल करता हो उसके भी एग्जाम चल रहे ऑब्वियसली फ्रेंड है तो एग्जाम चल रहे होंगे हो सकता है वो उसका टाइम टेबल स्टडी टाइम का हो और ये फोन कॉल आता हो तो वो डिस्टर्ब होता हो उसके पेरेंट को भी अच्छा नहीं लगेगा नॉर्मल आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि कोई आपको उसका फ्रेंड आपके बच्चे को डिस्टर्ब करे एग्जाम के टाइम पे नेक्स्ट है अगर आपके पास टाइम कम है यानी अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो अनसॉल्व यानी वो उस सब्जेक्ट को जो अनटच्ड है जो चीज़ नहीं पढ़ाई गई या नहीं पढ़ पाए आप चाहे स्कूल में हो किसी तरह से तो उनको आप टच मत करिए आप उन्हीं चीज़ों को करिए जिसको पढ़ चुके हैं या जिसको पढ़ाया जा चुका है उसको रिविज़न करिए एंड रिविजन एंड रिविजन उसको रिपीट करते रहिए आंटी एलानस अगर आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सब्जेक्ट जो वो पर्टिकुलर पार्ट जो नहीं पढ़ाए गए ठीक है तो ये यूजफुल है आप रिविजन पर ज्यादा फोकस करिए रादर देन किसी न्यू अनटच वाले सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने का अच्छा नेक्स्ट पॉइंट ये में ये होता है कि पेरेंट क्या होता है बच्चे कभी कभी कहते हैं कि नहीं पापा मम्मी मुझे एग्जाम में पढ़ना है आप मुझे दे दीजिए इसकी वजह से मैं नोट्स बनाऊंगा क्या नहीं है एग्जाम के ड्यूरेशन में कोई नोट्स नहीं नोट्स आपके पहले से बन जाने चाहिए जो भी डाउट है जो भी डाउट जितने भी हैं उनको वो नोट डाउन करें और एंड ऑफ द डे इवनिंग में किसी पर्टिकुलर टाइम उनके साथ बैठिए और नोट्स बनवाइए आप फोन उनके पास मत दीजिए कि परमानेंट वो पढ़े क्योंकि बुक्स भी हैं स्कूल के नोट्स भी हैं कोचिंग के नोट्स भी हैं उसके अलावा अगर उसने अपने मोबाइल के भी नोट्स स्टार्ट कर दिए तो वो इतने सारे कंटेंट में कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको आखिर पढ़ना क्या है ठीक है तो ऐसा मत करिए कभी कभी पेरेंट्स से कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे अपने बच्चे पर विश्वास है बच्चा पढ़ लेगा ऐसा नहीं करेगा वो नहीं बेटा मुझे तुम पर विश्वास है प्लीज ऐसा मत करिए विश्वास होना दूसरी बात है बट इस एज में जो इस एज में जो वो चल रहे हैं जिस टीन में वो गुजर रहे हैं इसमें मॉनिटरिंग की बहुत जरूरी है ठीक है तो उनको मॉनिटर करिए है है ना विश्वास क्योंकि विश्वास एक बार ब्रेक हो गया तो भाई अपने तो अपने होते हैं अपना ही खून है आज नहीं तो दो दिन बाद वो सब सेटल डाउन हो जाएगा सब नॉर्मल हो जाएगा बट एक बार ये टाइम निकल गया एक बार ये टाइम खराब हुआ ये जो कहते हैं ना न्यू होती है तो ये लाइफ टाइम के लिए हमेशा पेनफुल हो जाएगा इसको रिकवर नहीं कर पाएंगे ठीक है तो विश्वास कम करिए बट अपने बच्चों पर एक आई कीप एन आई बना के रखिए और मॉनिटरिंग जरूर करिए विश्वास तो चलता रहता है जब उस में आएंगे वो एक अडल्ट एज में आ जाएंगे तो विश्वास अपने आप बनेगा अभी एज मॉनिटरिंग की है है अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता कि बच्चों के साथ आप थोड़ा बैठिए जो पढ़ रहे हो जो उनके साथ स्टडी क्या हो रहा है वो देखिए कि एटलीस्ट वो जो राइट ट्रैक में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे कोई ऐसा तो नहीं है वो किसी गलत ट्रैक में जा रहे हैं या कुछ नया करने को की कोशिश कर रहे कि नहीं ये भी मैं पढ़ लू वो भी पढ़ लू ऐसा कोई गलती तो नहीं कर रहे तो ये आपको जानना जरूरी है कभी कभी ऐसा क्या होता है कि बच्चे जो पेरेंट्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं उनका होता है जैसे मैथ में बहुत लोग का हाथ सही नहीं होता है पेरेंट का या पर्टिकुलर इंग्लिश में हुआ या किसी किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में उनका नहीं सही है सब्जेक्ट में या पेरेंट उतने एजुकेट नहीं है उस लेवल के तो बच्चे ये कह देते हैं कि आ, पापा मम्मी आप, 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 आपको पता नहीं है मैथ के बारे में तो प्लीज़ रहने दीजिए मगर प्लीज़ बच्चे ऐसे मत करिए कभी अपने माँ बाप को इस तरह से रिप्लाई मत करिए कि आप नहीं जानते आप पेरेंट्स अगर आप जानते हैं नहीं जानते आप उनके साथ बैठिए और उनके साथ उनको समझने की को कोशिश करिए और चिल्ड्रन बच्चों जो पेरेंट्स पूछ रहे हैं आप उनको बिना सोचे उनको आंसर दीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं किस ट्रैक में जा रहे हैं कितना फिनिश हो गया कितना बाकी है पूरी जानकारी उनको दीजिए कि वो मॉनिटर आपको अच्छे से करेंगे आपने उस एज में अभी जब आएंगे तब आपको समझ में आएगा बट फिलहाल अपनी पेरेंट की बात मानिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि बहुत ज्यादा रूड मत होइए बच्चों से रूड मत होइए फैमिली में फाइट मत करिए ऐसा हैप्पी इन्वायरमेंट बना के रखिए टेंशन वाला इन्वायरमेंट घर में नहीं होना चाहिए स्टूडियस टाइप का इन्वायरमेंट पढ़ाई लिखाई वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए हैप्पी स्माइल रहना चाहिए ठीक है ऐसा होना चाहिए और दूसरी बात बच्चों के जो कमरे हैं जो बच्चों का स्टडी रूम है वो थोड़ा सा अपने नॉर्मल रूटीन से जगहों से हटा के रखिए जहाँ पे ज़्यादा बहुत शोरगुल या नॉइज होता हो आप आना जाना हो थोड़ा अलग करिए डेफिनेटली सारे लोग करते हैं बट बिल्कुल सेपरेट मत कर दीजिए बिल्कुल ही इंडिविजुअल उनको मत रखिए कि आप उन पर मॉनिटर न कर पाए थोड़ा सेपरेट रखिए बट आपके निगाह में होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं बिल्कुल राइट ट्रैक आपको पता होना चाहिए बच्चे जब एग्जाम दे के आए अच्छा हो बुरा हो उनको पूछिए उनको इंकरेज करिए उनको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट मत करिए उनको रूड मत बनिए उनको समझाइए कि ठीक है कोई बात नहीं इस पेपर में नहीं हुआ तो नेक्स्ट पेपर अच्छा हो जाएगा टोटल ओवरऑल टोटल टोटालिटी हमारा स्कोर अच्छा बन जाएगा डोंट वरी अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में है कि नॉर्मल हम लोगों को नाइन्टीज के दौर में क्या होता था फादर लोग कहते थे कि यार बेटा जब तुम तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नाम मार्क्स आ जाएंगे तो तुमको हम साइकिल ला के दे देंगे वीडियो गेम लेके आके दे देंगे हालांकि जो इस तरह का अप्रोच है वो कभी कभार काम करता है बच्चों को थोड़ा सा आप उन्हें प्रॉमिस करिए कि आप अच्छे मार्क्स लाएंगे बेटा आप पढ़ेंगे मन लगा के तो हम कहीं घूमने जाएंगे किसी हिल स्टेशन में जाएंगे दादा दादी के यहाँ जाएंगे नाना नानी के यहाँ जाएंगे या पर्टिकुलर आप उनके लिए कोई सोच रखा हो देने को तो वो दे देंगे बोर्ड एग्जाम के थ्रू ही उनको कुछ मिल जाएगा तो थोड़ा सा कभी कभी ये अप्रोच भी काम कर जाता है बच्चे थोड़ा सा डिफरेंट हंड के सोचने लगते हैं कि आओ अच्छा चलो मिलेगा चलो इसी वहाने पढ़ लेते हैं क्योंकि वो पढ़ाई की इंपॉर्टेंस अभी सारे बच्चे नहीं समझ सकते हो सकता है कुछ बच्चे समझते हो, हो सकता है कुछ बच्चे ना समझते हो तो पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंट है टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस है उनकी लाइफ में आगे जाकर इसकी इंपॉर्टेंस भी आप जरूर बताइए ताकि वो समझें और उसके ऊपर अपनी फोकस रखें स्टडी ठीक से हार्ड तरीके से करें बट प्रॉमिस भी आपने तरक् रखिए कि बेटा हम जो करेंगे थोड़ा मेहनत लगेगा

कंपेयर जैसा नहीं होना चाहिए मतलब उनको लगे ना उनको समझाइए बट उनको लगे फील ना कि किन जैसा हो रहा है पढ़ाई के इंपॉर्टेंस समझाइए पढ़ाने का टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए जो टाइम टेबल बनाइए वो फॉलो करें आप भी उठें उनके साथ आप उनको भी उठाएं और प्रॉबर स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करें जब एक रूटीन बन जाएगा तो सब कुछ फ्लो में हो जाएगा बट टाइम टेबल को फॉलो जरूर करिए स्ट्रिक्टली तो कंपेयर मत करिए बच्चों को मोटिवेट रखिए और इंगेज रहिए उनके साथ उनके साथ खेलने में रिलैक्स करने में स्टडी में ये थोड़ा सा करना पड़ेगा एग्जाम ड्यूरेशन में पेरेंट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है टाइम नहीं है बट मैनेज करिए ओवरऑल घर में कोई भी हो जो सीनियर हो आपके पास टाइम नहीं है तो मदर ट्रेक कर सकती है पेरेंट कर सकते हैं मतलब फादर कर सकते हैं नहीं है तो आपके छोटे ब्रदर कर सकते हैं घर में कोई फैमिली किसी भी तरह का इंगेजमेंट चलते रहना चाहिए उनको बिजी रखना चाहिए उनको ऊपर मॉनिटरिंग चलते रहना चाहिए अच्छा नेक्स्ट टिप्स में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं सोचता हूँ काफ़ी होना चाहिए नॉर्मली होता क्या है कि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में जो मदर्स होती हैं वो बहुत लाड प्यार होता है तो वो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट तरीके का खाना बना के खिला देती हैं या बच्चा एग्जाम दे के आए तो अच्छा खाना उसको खिला दिया ऑयली टेस्टी बढ़िया मसाला वाला नेक्स्ट एग्जाम हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हो सकता है जो आप खाना दे रहे हैं जो ऑयली फूड दे रहे हैं बहुत हैवी तेल मसाला का दे रहे हैं या चिकन मीट इस तरह का दे रहे हैं ये खाने के बाद बच्चे सोना पसंद करें या उनको नींद आए या हो सकता है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या कोई भी स्टमक की प्रॉब्लम हो तो प्लीज अवॉइड करिए एग्जाम की ड्यूरेशन में सब चीज़ें अवॉइड करिए जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो अच्छे से पूड़ी पकवान और जो वर्जी चिकन मटन सब बनाइएगा बच्चों को थ्रू आउट द एग्जाम आइडेंटिकल खाना खिलाइए मतलब एक ही तरह का खाना होना चाहिए ये नहीं कि रोटी सब्जी रोटी सब्जी कहने का मतलब जो बनाने का प्रोसीजर है जिस तरीके से आप बना रहे हैं उसमें चेंजेस करिए बट ऑयली बहुत ज्यादा मसाला नहीं करिए उसी तरह की रोटी चपाती दाल खिलाई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करिए बहुत ज़्यादा ऑयली और मसाले वाले चीज़ों को अवॉइड करिए सैलड फ्रूट इस तरह की चीज़ों को एग मिल्क कर्ड इन सब चीज़ों को रखिए बच्चे से हेल्दी रहेंगे दिमाग उनका तेज़ रहेगा और दूसरा ये करिए कि मॉर्निंग के टाइम में जब बच्चे एग्जाम के लिए जाएं तो उनके एप्पल या एप्पल जैसे वाले फ्रूट दीजिए एप्पल फ्रूट में क्या होता है कि ये बॉडी में डिजोल्व बहुत तेजी से नहीं होता है अगर आप इसको एक से एप्पल खाते हैं तो इसकी जो एनर्जी देने की ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबी होती है मतलब एक एप्पल खाया तो दो से तीन घंटे तक वो एनर्जी आपको बॉडी में देता रहता है धीरे धीरे तो वो एक्टिव रहते हैं आप है ना तो ऐसा फ्रूट आप जरूर करिए ये मेरा यूज किया हुआ है ये मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया और मुझे इसका जो रिजल्ट है वो क्लियरली दिखा है कि मैं एक एप्पल दो एप्पल खा के जाता था और मुझे एनर्जी प्रॉपर दो तीन घंटे तक मिलती रहती थी मुझे भूख नहीं लगता था बिल्कुल एनर्जी कांस्टेंट बनी रहती थी तो बच्चे आप एग्जाम से डरिए मत पेरेंट्स प्लीज इनको डराइए भी मत टाइम टेबल बनाइए स्ट्रिक्ट रहिए अपने कोर्स को ध्यान दीजिए रिवीजन करिए पेरेंट्स की बात मानिए और हंसते खोलते रहिए गोदते रहिए डोंट वरी सब कुछ सही हो जाएगा मैं यहाँ पे हूँ कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे आप ड्रॉप करिए कमेंट में मैं डेफिनेटली जितने हो सके मैं हेल्प करूंगा अदरवाइज आपके पेरेंट तो हैं ही हैं और आई नो आपके पेरेंट स्मार्ट हैं और आप भी स्मार्ट हैं तो फिर मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ इन्फॉर्मेशन टिल देन हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए चैनल टेके शर्मा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम थैंक यू हो तो घुमाओ सीढ़ी बजा सीढ़ी बजा के बोल भैया आ